और साहब मैं 2 बजे निकल रहा हूँ यहीं पे घूमने के लिए। मौसम बड़ा सुहाना सा हो रखा है मतलब, पर रिमझिम बारिश हो रही है। इस बारिश में हम घूमने के लिए प्लान कर रहे हैं, अभी तो कोई डिसाइड नहीं कहाँ जाएंगे, देखते हैं। गुड़गांव में कुछ ही जगह हैं जहाँ पे हाँ मैं जा सकता हूँ, या जो बाइकर्स हैं वो सारे वहीं जाते हैं। मोस्टर GFR धन्य लेपर्ड ट्रेल और क्या है, बस यही है। बाकी एक वहाँ का राइड कर लेते हैं लोग। तो भैया इन सबसे बोर होकर उसको डिसाइड किया जाएगा दूसरी जगह जाने का, नहीं तो यही किसी भी जगह पर जाते हैं। बट अभी लेपर्ड ट्रेल जाने के लायक मस्त मौसम होता है, मेरे को बहुत पर्सनली पसंद है लेपर्ड ट्रेल जाने का इस टाइम, क्योंकि बारिश होने का तो वहाँ पर ग्रीनरी थोड़ी ज़्यादा अच्छी लगती है। तो कोशिश करता हूँ वहीं जाता हूँ, क्या करते हैं। बाकी डिसाइड है, और भी साथ में हैं, जो 2 बंदे और साथ में हैं, देखते हैं वो भी चलते हैं तो चल लेंगे हम। मौसम में यार बारिश में जूते तो यही पहन लिए मैंने, गीले गंदे ना हो, ऑल टाइम फेवरेट माई शूज़। ये जूते का बेस्ट थिंग है कि यार गंदे नहीं हो जाते। वॉच पहन रखी है, ये भी गीला हो सकता है, वो प्रो गीला हो सकता है। यहाँ पे हल्की फुल्की बारिश है अभी, देता हूँ। ज़्यादा ही तेज़ बारिश होगी तो मैं बंद करूँगा अब नॉर्मल, बिना माइक के सपोर्ट में। वाइजर में फॉग ऑफ हो रहा है, थोड़ा जल्दी बोलूँगा तो उतना और ज़्यादा फॉग होगा। ये ठंड के मौसम में या बरसात के मौसम में यूजली देखने के लिए मिलता है। ये मैंने ग्लव्स नहीं पहने तो प्लीज इग्नोर करना, राइडिंग जैकेट नहीं पहना प्लीज इग्नोर करना है, और इसी में तेज नहीं चलाने वाला, स्लो ही चलाऊंगा। जब से ये बाइक मिली है ना मेरे को, अरे ले भैया गंदा कर दिया जूता। हाँ जब मैं क्या कह रहा था, जब से ये बाइक मिली है ना मैं थोड़ा सा कंट्रोल में चलाता हूँ उसको, ऐसा नहीं कि रे हार्ड कर रहा हूँ ऐसा करो, नहीं। राइडिंग जैकेट पहना तो एक कॉन्फिडेंस अलग आता है, तो मैं थोड़ा भगा लेता हूँ, नहीं तो यूजली मैं ना धीरे ही चलाता हूँ। पता नहीं क्यों पसंद आ रहा है उसको धीरे चलाना, जैसे अभी एक क्रूजिंग स्पीड है इस पर चलाओ सही है, सेफ जाओ सेफ आओ ना भाई। तुम तो बस अपने को देखते हो, साइड वाइड से आ रहे हैं तो उनको तो देखना ही नहीं है इनको। सॉकर भी पर सही परफॉर्म कर रहा है, थोड़ा स्लो चला लेता हूँ। शेट 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 नहीं 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 बस गया। बस यार जूते गीले होते हैं ना यार, यही बड़ा गंदा लगता है। बाइकरों की तो प्रॉब्लम ही है जूता गीला होना, खुद गीला हो जाना। मैं कह रहा गुड़गांव के ना हर जगह पे ना फ्लाईओवर्स पे और ऐसे वॉल्स पे ना ये पेंटिंग बनाई हुई है, पेंट आर्टवर्क कर रहा है, पेंटिंग नहीं मतलब पेंट आर्टवर्क कर रखा है इसमें, बहुत प्यारा लगता है देखने में से इसको। और है ही अपना गुड़गांव इतना प्यारा, यहाँ से भी दे सकता बट यार कौन करे, फालतू करते मेरे को पसंद नहीं। अरे इसको बंद करो यार, बैठो ऐसे खामा खा चला के चल रहे हैं इसको है ना। चलिए भैया मेरे पड़ेगा लेफ्ट हैंड साइड पे इधर तरफ मुड़ने के लिए। हाँ जी हाँ जी चलो जी। अरे मैं तो अच्छा वहाँ से लेंगे ना लेफ्ट हैंड चलते शूट वूट करते हैं। अरे अरे मैं गाड़ी चलो जी पहुँच गए हम, यहाँ अपनी बाइक खड़ी कर देते हैं। टाइम पे पहुँच गए नारायण सर किधर। तो भैया अभी पता नहीं कहाँ जा रहे हैं, मैंने तो बोला बट यहाँ पे सर हमारे चेंज कर रहे हैं प्लान टाइम टाइम पे, कह रहे हैं शूज़ ने नॉर्मल वाला स्पोर्ट्स शूज़ पहना हुआ है, कह रहे हैं तो दिक्कत हो रही है सर, और तो इसलिए मना कर रहे हैं। बाकी कह रहे हैं वो घर जाने दो, मैं शूज़ चेंज करके आऊँगा। बाकी मैं मेरे अंकल तो रेडी हैं जाने के लिए, बट सर के साइड से ही मना हो रहा है, बाकी देखते हैं अब क्या करते हैं। चलने के लिए कोई नहीं था यार सीरियसली, अंदर चलने क्या। आज पार्किंग ही नहीं, आज पार्किंग ही अवेलेबल नहीं है इनके पास। Thank you.
आज भीड़ नहीं लग रही, यहाँ तो भीड़ नहीं लग रहा, खाली खाली सा लग रहा है। तो ये रहा अपना मेटियोर 650 सुपर जो रिसेंटली लॉन्च हुआ है, और ये आज मौका था तो राइड मिल गया। थोड़ा हैवी एंड क्रूजिंग स्टाइल, मेरे तो पूरे पैर पहुंच रहे हैं ज़मीन पे। स्टार्टअप करने के लिए यहाँ से इग्निशन कॉइल दबाना है, मैं एक बार बंद कर लेता हूँ। फुटपथ थोड़ा सा आगे की तरफ है, ये फर्स्ट गियर लग गया, फर्स्ट मुँह से लगा, बस थोड़ा सा हार्ड है। फुटिंग पोजिशन थोड़ा सा आगे की तरफ है, मेरे को वहाँ पे अभी लो गियर सॉरी लो फ्यूल करने मेरे को आ रहा है। ओके ओके ओके, गॉट इट। होप सो वो अच्छा रिकॉर्ड कर रहा हूँ इस एंगल में जहाँ पे कर पा रहा हूँ मैं, भाई कसम से हैवी इज तो फील तो होता है इसमें। सोचता हूँ आगे से लेके जाके एक टर्न लेके आता हूँ। और यहाँ पे आपको नेविगेशन वाला सिस्टम भी मिल जाता है, जैसे पहले वो हिमालयंस में आ रहा था, मेटियोर्स में आ रहा था, वो फीचर आपको मिल जाता है। गियर बड़े स्मूथ से हैं, एट द पॉइंट लग जाते हैं आपके। टर्न इंडिकेटर के स्विच क्वालिटी भी काफ़ी अच्छी लगी, प्रीटी इंप्रेसिव। और ये ब्रेक्स भी काफ़ी सही है, फील नहीं होता है आपको टायर एकदम हाथ में ज़मीन पर पैर पहुँचते हैं आपके। कलर में एक ग्रीन वाला देखा है, बट मेरे को साउंड देख लो, कुछ कुछ थोड़ा थोड़ा इसका इंजन ऐसी साउंड लग रहा है जैसे अपना इंटरसेप्टर है उसकी तरह साउंड कर रहा है। भाई पानी आ गया यार, शिट। मेरा पैर वहाँ पर ऑटोमेटिकली नीचे जा रहा है, थोड़ा सा उसको खोल लेता हूँ। हाँ। ओ हो, पावर 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 भाई, पावर पावर भाई, पावर फील हो रहा है एकदम, कसम से बताऊँ बहुत ज़्यादा। बड़े ऐसा नहीं है कंट्रोल नहीं हो रहा, कंट्रोल वाला पावर है जो चीज़ बहुत बढ़िया चीज़ है। ओके 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 ओके, गॉट इट गॉट इट। इधर की तरफ ले लेता हूँ, कोई लंबा राइड तो लेना नहीं है यार, नीचे से अंडर पास लेकर। ओह बहुत ही ज़्यादा पावरफुल है बाइक है, जस्ट यू टर्न वहाँ का ले लेते हैं एक बार। अब पता नहीं, मैंने बताया भी नहीं कितने का राउंड ले सकते, कितना ले सकते हैं। ब्रेकिंग ऑसम है यार, वाइजर खोल के चला रहा हूँ, मे बी आपको आवाज़ थोड़ा ज़्यादा आ रहा होगा। चलो इंडिकेटर देता हूँ, इंडिकेटर की क्वालिटी यार स्विच की ना बहुत मस्त लगी मेरे को। टर्निंग में थोड़ा सा हैवी लगता है, क्लच थोड़ा सा आगे जा रहा है, पता नहीं इसका एडजस्टमेंट थोड़ी सी अजीब सी कर रखी है मेरे को थोड़ा लाइट। और ये हमने दबाया बाइक को, ओह फक अप, सिंपल काइंड ऑफ हॉर्न, प्रीटी इंप्रेसिव चीज़ यार। पता नहीं कैसा मार्केट में क्या रूप दिखाएगा ये बाइक, बट एक क्लासिक काइंड ऑफ बाइक के लुक में आता है, जो फैट बाइक काइंड ऑफ उसके रो नाम बोल रहा हूँ यार, अपना हिमालय उसे हिमालय कर रहा हूँ बार बार, हार्डली काइंड ऑफ में जाना चाहते हैं ना उस टाइप का स्ट्रीट लुक, तो आप इस बाइक पे जा सकते हो। ऑसम पावर, मैं थर्ड गियर पे ही जा रहा हूँ, तब तक मैंने फोर्थ गियर नहीं लगाया है इसमें। और पता नहीं इसका पावर तो यार सही बताऊँ तो उसको हाई पे पता चल पाएगा, ज़्यादा लंबा राउंड नहीं ले सकता, छोटा सा राउंड लेके इस वाले में बता रहा हूँ।
तो मैं यहीं से यू टर्न लेकर फिर अंदर घुसा जाता हूँ, दे देता हूँ बाइक उनको, ज़्यादा देर राउंड भी नहीं चाहिए, पतले वो पागल हो जाए, कह रहे कहाँ लेके चला गया बाइक। चलिए जी चलिए जी चलिए जी चलिए जी, टर्निंग सेकंड गियर, और टर्न में करने में थोड़ा सा ना हैवी, हल्का सा हैवी फील हो रहा है, ऑब्वियसली होना चाहिए, बाइक के वेट एक बार चेक करना पड़ेगा कितना वेट है, हैवी फील होता है। अब मुझे से हल्के बन, बस ये पैर का ना क्रूजिंग सेइंग स्टाइल है ना, पैर यहाँ पे रहेंगे आपके और उसमें चलाना, ये थोड़ा सा अलग टाइप का है ऑफ रोड बाइक चलाने वाले बंदे। चलो जी, ये एक बार इसका एग्जॉस्ट का साउंड सुनेंगे कल, इसमें तो मेरे ख्याल से उसका है तो उसमें एग्जॉस्ट भी उसमें लग जाना चाहिए, एग्जॉस्ट लग जाएगा ना, क्या पावरफुल साउंड है का, बट मेरे को ये साउंड स्मूथिंग साउंड बहुत पसंद आ रहा है, एग्जॉस्ट की जरूरत ही नहीं है, वो थोड़ा ज़्यादा लाउड हो जाता है, 88 सा करने जाता है, बट ये साउंड भी यार बहुत स्मूथ टाइप है। क्लच का ना हाइट ना हाथ में एडजस्ट कर सकते हो, ये चीज़ अच्छा है इसमें, मैंने कुछ बी रोल्स में भी शूट किए हैं, देखता हूँ कैसा लगता है, घुमा लेता हूँ बाइक को, और सस्पेंशन की बात की जाए तो बहुत कंफर्टेबल है, जैसा होता है स्ट्रीट रेड रोड बाइकर में। ओके ओके ओके, गॉट इट, और कैसा है दोस्तों, पेशन होगा और अपनी बाइक पे वापस आ जाते हैं, आपकी बाइक पे 600 से सीधा 250 पे वापस। ओह माय गॉड, देखते हैं कहाँ जाना है। 71% बैटरी, इसकी बैटरी हेल्थ नॉर्मल वाले GoPro वाले से बैटरी इसकी ज़्यादा रखती है, जो नॉर्मल बैटरी वाले जो GoPro की स्टॉक बैटरी है उससे अच्छी है काफ़ी। हाँ जाओगे सर, अरे कंट्रोल ही नहीं हो रही थी, ये हाथों में क्यों लग रहा था, वो ब्लैक स्कॉर्पियो सॉरी फॉर्च्यूनर, ऑसम लग रही है यार, निसाब वीस दिस टाइम, तो ये था अपना मंजुल मोटर जो लोकेटेड है गुड़गांव के सेक्टर 14 में, अपोजिट ऑफ BMW शोरूम। तो यहाँ पे आप आके नॉर्मली टेस्ट राइड दे सकते हैं बाइकों का, काफ़ी अच्छी सर्विस जैसे ट्रीट करते हैं कस्टमर को, काफ़ी अच्छी ट्रीट करते हैं, सही लगाने का सर्विस भी काफ़ी ठीक ठाक अच्छी है, बाकी सेल सर्विस आफ्टर सर्विस तो मेरे को तब तक मैं यहाँ से दो तीन बाइकें गई हैं, मतलब ये जो दो बाइक खड़ी है ये भी यहीं से आई हैं, उसके अलावा भी एक बाइक है वो भी आई है, फ्रेंड की बाइक भी यहीं से आई हुई है, तो कह सकता हूँ काफ़ी ज़्यादा अच्छी रही है इनसे। चलिए चलो बाबा टहरा बाबा ये करते हैं और चलते हैं, अपन निकलते हैं आगे की तरफ।